नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय और आप देख रहे हैं थिंक लाइक अ कंपोजर। अगर आप मुझे लास्ट एपिसोड से फॉलो कर रहे हो देन यू नो कि कंपोजर की तरह थॉट प्रोसेस रखने में सबसे पहली चीज जो आती है वो है टेम्पो। लेकिन जब एक बार आपके पास टेम्पो आ गया तो उस टेम्पो में आप कैसे उसको सुर में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से आप वो सुर ढूंढ कर निकालेंगे जो उस टेम्पो में आप बिठाने वाले हो। लेट्स टॉक अबाउट दिस। If you remember correctly, tempo determine करने के लिए हमने इस चीज़ का सहारा लिया था कि वो जिस फील को आप टच करना चाहते हो, इमोशनल रिस्पॉन्स को, ये वर्ड हमने एस्टेब्लिश किया था वहाँ पे, उस वक्त एक इंसान की हार्ट बीट की स्पीड क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग हमने टेम्पो को डिफाइन करा था, करेक्ट। दैट मीन्स एक बार जब आपका टेम्पो डिफाइन हो गया, यू ऑलरेडी नो कि किस स्पेसिफिक माइंडसेट को आप टारगेट करने वाले थे, वो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है। वही इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होगी सुर तैयार करने में। अब सुर बनाने का क्या कोई फॉर्मूला होता है? वेल, एक तरीके से ना ही कहना सही होगा, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टन की एस्पेक्ट्स या फिर टेक्निक्स बोल सकते हो जिनको हम इम्प्लीमेंट करके वी कैन एक्चुअली फिगर आउट एक एटलीस्ट एक बेसिक सुर तो चलो बना ही सकते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स गो फॉर सैड मेंटेलिटी। एक सैड मेंटेलिटी को दिमाग में रखते हुए लेट अस ट्राई टू कंपोज सम म्यूजिक। एंड इस प्रोसेस में मैं आपको थॉट प्रोसेस समझाता रहूंगा कि एग्जैक्टली क्या 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 सोच मेरे दिमाग में चल रही है जिसको इस्तेमाल करके मैं एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट थिंग आफ्टर टेम्पो कम्स इज कि आप एक स्केल चुन लो, कोई भी एक स्केल चुन लो जो आपको ठीक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिशनली माइनर स्केल को माना जाता है, सैड के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो मैं मान लो डी माइनर ले रहा हूँ। So let us turn to this is my primary instrument piano. You already know if you follow this channel. अगर कुछ primary instrument नहीं है then this can become a little challenging, क्योंकि उस केस में आपको supporting कुछ element मिलेगा नहीं, आपको बस सोच से उस चीज़ को निकालना पड़ेगा, which is possible but a little tricky. यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या टाइम सिग्नेचर मैं फॉलो करूंगा। नाउ टाइम सिग्नेचर में तो खैर आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लाइक कि 2 4 4 4 3 4 6 8 7 8 7 4, हजारों चीज़ें हो सकती हैं, 11 4, आई मीन यू कैन कीप ऑन गोइंग वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। लेकिन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ना जाके लेट अस जस्ट कीप इट सिंपल, हम 4 4 3 4 एंड 7 4 इन सर्टन ओकेशंस, इसमें इन तीनों में खुद को सीमित रखेंगे। स्टार्ट करते हैं एक 4x4, आप इसको 3x4 भी कर सकते हो, जस्ट सी कि उस जो फील को आपने टारगेट करना था उस फील को दिमाग में रखते हुए क्या आ रहा है, जस्ट उसको इस्तेमाल करके जस्ट प्ले अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्ड्स, एक ही कॉर्ड, कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं, एक कॉर्ड, जस्ट कीप ऑन लूपिंग दैट। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। अब ये जो स्पीड है, अगर आप एक सैड सॉन्ग, अब देखो सैड का भी बहुत वेरिएशन हो सकता है, राइट, आई मीन दुख बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, थोड़ा आराम से दुख हो सकता है, आई मीन दिस इज़ प्रॉब्ली साउंडिंग वियर्ड बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा आराम से दुख हो सकता है, बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, दुख के मारे आप पागल हो रहे हो सकता है, दुख के मारे वो दुख आपका कन्वर्ट हो जा रहा है कि आपको बदला लेना है, वो भी हो सकता है। सो दुख के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, है ना, उसके ऊपर भी आपका स्पीड चेंज होगा, स्केल डिफाइन करना है। लाइक अगर किसी को दुख के आग में उसको बदला लेने तक वो पहुंच गया है तो वो चीख के ये बोल सकता है, तो इसका मतलब आप बहुत ऊपर के नोट्स लगा सकते हो, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा, दैट थिंग, राइट, वो एक जो ऊपर के नोट्स को टारगेट करना, एक गला ऐसे फट सा जा रहा है उस तरीके से, तो दैट्स लाइक कि आपका बहुत ज्यादा दुख वो अभी गुस्से में कन्वर्ट हो गया है, वो एक बदला लेने की आग में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज वन सॉर्ट ऑफ दुख। एक आपका होता है जब आप थोड़े से मोरोस रहते हो, मोरोस मतलब क्या है, लाइक आप थोड़े से लाइक डाउन हो गए हो, आप थोड़े से डाउन हो गए हो, दैट कैन बी अनदर फील। नाउ ये फील क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जंप कैसा होने वाला है, एक नोट से दूसरा नोट आप कितना दूर दूर तक जंप कर पाएंगे, क्योंकि समझ कर देखिए एक इंसान जो बदले की आग में, बदले की भावना लेकर बैठा हुआ है दुख में ही, वो काफी कुछ कर सकता है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई है, अचानक से ताकत बहुत ज्यादा आ गई है। जो बंदा अभी अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, अभी बैठे बैठे रो रहा है,
उसमें उतनी एनर्जी नहीं है, वो थोड़ा धीमे चलता है, थोड़ा सर झुका के रहता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। वो इमेजिन करने की कोशिश करो उस तरीके से वो इंसान रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जिस फील्ड को टारगेट कर रहे हो उस फील्ड में वो उस इंसान की स्थिति क्या होती है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, उस एनर्जी को देख करके हम ये डिफाइन करते हैं कि हम सुर कितना कुदाएंगे, सुर को यहां से वहां, वहां से वहां भगाओगे या फिर थोड़ा आराम से चलाओगे। ऑलराइट, सुर को पकड़िए। आपको सिंगर होने की जरूरत नहीं, मैं भी नहीं हूं, मुझे भी गाना गाना नहीं आता है, लेकिन सुर को पकड़िए फिर भी। देखो मैंने जो जंप मारी यहां पे, एक सेमीटोन, जस्ट वन सिंगल सेमीटोन, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम छोड़ के गए तुम छोड़ के गए देखो अब ये तो कुछ भी हो गया लिटरली, इट वॉज नॉट डिसाइडेड अर्लियर कि मैं क्या करने वाला हूँ, पर इसमें क्या हुआ देखो, हमने बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कूदना नहीं लगा के रखा था। लाइक अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, सो दिस विल बी अ लॉट ऑफ जंप्स, बहुत ज्यादा जंप नहीं है, और भी खतरनाक जंप हो सकता था, बट दिस आर स्टिल अ लॉट ऑफ जंप्स। एक बंदा जो एनर्जी जिसमें बची नहीं है, जो बंदा एकदम दुखी होकर, वो इंसान ये कैसे कर लेगा, वो इंसान कहां से ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन इतना कूदने की ताकत नहीं है उसमें। आपका गाना ट्रांजिशन हो सकता है जरूर, कि वो मोरोस बैठा हुआ है, आप ये करना चाहते हो कि फिर धीरे 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 उसके अंदर वो बदले की आग आ रही, देन द सॉन्ग कैन लाइक दिस इज एक्चुअली वेरी गुड सॉन्ग आइडिया, यू नो। आप मोरोस चालू करते हो, देन आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्डअप हो रहा है, गाना आगे बढ़ रहा है, जस्ट यू नो बदले की आग में वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है, यू कैन डू दैट। बट द पॉइंट इज कि अगर आप एक कंसिस्टेंट फीलिंग लेकर चलना चाहते हो, जो अक्सर लोग करते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको कि जो फील है उसके अकॉर्डिंग आपको सुर का कूदना कंट्रोल करना है। इफ यू मेक इट जंप टू मच, दैट विल मेक, मतलब एंट्रोपी ज्यादा हो रही है ना, जंप मत हो गया, एंट्रोपी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कि एनर्जी बहुत ज्यादा, एनर्जी कम है तो एंट्रोपी कम है, सिंपल साइंस यार, आर्ट इज साइंस, लुक एट दिस। तो ये आप जो पैटर्न भी पकड़ रहे हो ना, ये जैसे मैंने बोला था राइट, आप जो पैटर्न भी पकड़ रहे हो, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी, उसके ऊपर से भी आपका जो है ये फील जेनरेट कैसे होकर आपके पास पहुंचेगी, वो बहुत बदल जाता है। लाइक अब ये पैटर्न के साथ आप कौन सा उसको बिना कुदाए रखोगे, वो तो कूदेगा ही राइट, ये पैटर्न ही अगर आपका ऐसा है तो। अब ऑब्वियसली इफ यू आर अ कंपोजर, आपको ये तो सोचना नहीं पड़ेगा ना कि यार पैटर्न चूज क्या करे, वो ऑटोमेटिकली आएगा आपका, आपको उस फील में खुद को लेकर जाना है। अभी मैं कैमरा ऑन कर वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें वो फील में खुद को मैं पहुंचा नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कैमरे की रिकॉर्डिंग लिमिट होती है, थोड़ी देर बाद ये वीडियो ऑफ हो जाएगी, वरना मैं उस फील में चला गया, अब रात सुबह हो जाएगी। So I want you to walk out of today's video with this message in your mind, कि आपने जब tempo and pattern determine कर लिया as a first step, the second step as a composer is to figure out the energy of the subject and therefore the jump that he or she can actually execute.